नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का टॉपिक है वो एलईडी बल्ब रिप्लेसमेंट कैसे करें। जो हमें फ़ोन करके बताते हैं कि सर जी ए वाले DOB में, ए वाले रॉ मटेरियल में रिप्लेसमेंट कितना है, क्या परसेंटेज है। जितना मायने एक DOB और SPD जो ड्राइवर होता है वो रहता है, उतना ही मायने इसमें 50% वेटेज क्राइटेरिया है हाउसिंग का। देखिए भाई लोग, इसमें क्या होता है कि जैसे एक लाइट जल रहा है, अगर मानो लाइट एक दिन भर जल रहा है तो हीट होगा, इतना गर यानी इतना हीट होता है कि जो गर्माहट है उसके अंदर की, वो स्प्रेड होने के लिए प्रॉपर हाउसिंग की डिज़ाइन होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर हाउसिंग नहीं रहेंगी तो आपको रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा आएंगी, जल्दी जो DOB है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जल्दी उसके जो SMD है उसके ऊपर लगे हुए कंपोनेंट है वो ख़राब होने के चांसेस जल्दी रहेंगे। क्योंकि अभी हर लाइट में विदाउट टिक की मटेरियल आ रहा है, तो हाउसिंग उतनी ज़रूरी है। सब पहले क्या होता था कि एक टिक्की आती थी, टिक्की के ऊपर PCB लगने के बाद अगर PCB हीट होती है तो वो स्प्रेड प्रॉपर टिक्की की मदद से प्रॉपर बॉडी के ऊपर स्प्रेड होता था। अभी क्या हो रहा है कि विदाउट टिक्की आने से वजह से जो DOB है उसी को ही एक टिक्की समझ लीजिए और उसका थिकनेस ज़्यादा कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी हाउसिंग यूज़ करना है और कौन सी हाउसिंग नहीं यूज़ करना। देखिए दोस्तों, मार्केट में दो तीन प्रकार की हाउसिंग है जो प्राइस ड्रॉप करने के चक्कर में कंपनियां पेल रही है या रॉ मटेरियल पेल रहे। अगर आप उसी के जाल में अगर फंसे हो तो आपके जो रिप्लेसमेंट एलिबल में वो ज़्यादा आएंगे। जैसे मैं आपको ये देखिए, ये है 9 वाट की हाउसिंग जो हम यूज़ करते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन हाउसिंग है। अब इसका देखने से पता चलता है कि इसका वेटेज, इसका क्वालिटी और इसका क्या चीज़। देखिए आप, मैं आपको दब नहीं रहा। इसमें जो एल्यूमिनियम लगी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से एल्यूमिनियम लगी है ताकि जो हीट है वो प्रॉपर स्प्रेड हो सके हाउसिंग के ऊपर और एक जल्दी ठंडा भी हो सके। तो ये है 9 वाट की। और उसके बाद और एक 9 वाट की हाउसिंग आती है, ये वाली भी 9 वाट में हाउसिंग यूज़ कर रहे हैं ये, और इसमें प्राइस में डिफरेंट है, फ़र्क है, 1-1.5 रुपये का फ़र्क आता है ये और इसमें। क्योंकि इसका एल्यूमिनियम आप देख सकते हो, इसका एल्यूमिनियम आप देख, ये शाइनिंग एल्यूमिनियम है, ये मिक्स एल्यूमिनियम है और ये विदाउट मिक्स एल्यूमिनियम है, तो इसमें भी फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें जितना शाइन हो रहा है वो इतना पतला है, देखिए हाथ से ऐसी दबरी यानी दबते जा रही है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब क्वालिटी है। अगर ये वाले हाउसिंग अगर आप 9 वाट के लिए यूज़ करेंगे, आपका रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, मैं आपको मान के लिख देता हूँ। क्योंकि हमने यूज़ कर चुके हैं ट्रायल के लिए, तो इसमें रिप्लेसमेंट ज़्यादा है। एजिंग मशीन में भी ये रिप्लेसमेंट देती है। जब एजिंग मशीन में लगाएंगे तभी आपको पता चलता है कि रिप्लेसमेंट कितना आता है, क्योंकि हीट होता है, तो हीट होने से जो DOB जल्दी ख़राब होती है, उसको प्रॉपर हीट स्प्रेड नहीं होती। इसलिए उसके ये वाले हाउसिंग अगर आपको जहाँ भी मटेरियल मिलता होगा आपको ये वाले हाउसिंग का, ये वाले हाउसिंग लीजिए। इसमें रिप्लेसमेंट ना के बराबर है, यानी ना नहीं बोल सकते, कम रिप्लेसमेंट है इसके मुताबिक, बहुत काफ़ी कम रिप्लेसमेंट है। अगर आप जो भी लाइट, जैसे ये वाले हाउसिंग है, एक हाउसिंग है, ये हाउसिंग आप 5 और 3 वाट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइट गर्म हीट ना होता है, तो आपकी रिप्लेसमेंट कम आएंगे। जैसे हम ये 5 वाट के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें रिप्लेसमेंट कम है, क्योंकि 5 वाट का लाइट का ब्राइटनेस उतना नहीं रहता, तो हीट भी उतना नहीं रहता। उसके बाद आता है जैसे हमारे 12 वाट की, देखिए ये 12 वाट की है। अब मार्केट में भी वैसे चल रहा है कि 12 और 15 वाट के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, होता ऐसा है कि 12 वाट और 15 वाट के अगर ये यूज़ करेंगे तो 15 वाट में रिप्लेसमेंट ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे रिप्लेसमेंट ज़्यादा? क्योंकि जब 15 वाट की DOB आती है वो आती है बड़ी, उसके बाद उसके ऊपर लाइट भी ज़्यादा आते हैं। तो मान लीजिए ना, 12 वाट अगर हीट कम हो रहा है, 15 वाट ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, तो 15 वाट के अगर DOB आप ये यूज़ कर रहे होंगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मार्केट में भी दे रहे लोग और खरीद रहे लोग एक ही DOB लगा के, 12 वाट 15 वाट की DOB एक ही लगा रहे और उसको जैसे प्रिंटिंग चेंज कर रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम प्रॉपर यूज़ करते, ताकि जब मार्केट में आप जाते हो सेल्स करने के लिए तो दुकानदार को पता चलना चाहिए कि भाई ये 12 वाट का लाइट है और 15 वाट का लाइट, इसमें डिफरेंट दिखना चाहिए। तो इसलिए हम ये वाले यूज़ करते हैं। इसकी भी क्वालिटी बहुत तगड़ी है, आप देख से दबती ने हाथों से। और ये हमारी 15 वाट की, और ये देखिए अभी ये 12 वाट 15 वाट में कितना डिफरेंट आप देख सकते हैं। यही फ़र्क आता है कि अगर प्रॉपर आप हाउसिंग यूज़ करेंगे तो आपका रिप्लेसमेंट कम आएगा और आपका जो मार्केट में आपके काउंटर बढ़ेंगे, आपके पास डबल रिपीट ऑर्डर होंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारा रिप्लेसमेंट ज़्यादा आए और हमारे ग्राहक खराब है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।